जम्मू कश्मीर के ऐवान असेंबली में वहां के रुकन असेंबली को जो मारा पीटा गया, उनकी जान लेने की जो कोशिश की गई, वो काबिले मजम्मत है। और मेरी नज़र में उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बीफ बैन के ऊपर स्टे दिया, वो बाहर से खाना पकवा कर लेकर आए और फ्लोर ऑफ द हाउस में एक एमएलए को उनकी जान लेने की कोशिश करना, ये कौन सी गवर्नेंस हो रही है वहां पर? बीजेपी वहां पर पावर में है, डिप्टी सीएम है, क्या कर रहे हैं पीडीपी वाले? क्या मैसेज दे रहे हैं उन लोगों को जो कश्मीर में अमन की कोशिश कर रहे हैं? मैं अपनी तरफ से इसका आउटराइट कंडेम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वहां की असेंबली और वहां की गवर्नमेंट उन खाती बीजेपी के एमएलए के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर भी बोलना अंडरस्टेटमेंट होगा, और उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो असेंबली के रूल्स वहां पर प्रिवेलेंट है। और वो इंजीनियर साहब को पूरा तहफ़ फराहम होना चाहिए कि इस तरह की हरकत बिल्कुल गलत है, ये कंडेमनेबल है।